हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, ने मैं बात करेंगे IRM एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे ये कंपनी का कुछ स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी एंड साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के हम ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल इन डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स एंड PA कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड लास्ट में कंपनी का टेक्निकल व्यू भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, डू गाइस एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पे हम कंपनी के प्रोफाइल की बात करेंगे, सो कंपनी जो है 2015 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई थी, कुछ महीने पहले ही कंपनी का लिस्टेड हुई है मार्केट में। यहाँ पे IRM एनर्जी कंपनी की बात करेंगे, सो यहाँ पे कंपनी का गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती, बेसिकली ये सेगमेंट में काम करती है। एंड यहाँ पे कंपनी कौन से चीज़ों में इन्वॉल्व है, लाइक यहाँ पे कंपनी डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड एक्सपांडिंग ऑफ लोकल नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यहाँ पे क्या है, नेचुरल गैस क्या जो लोकल एरियाज होते हैं वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। बेसिक कंपनी के ऐसे कितने प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट हैं, CNG एंड PNG। CNG जो प्रोडक्ट कंपनी का है ना, ये वन ऑफ द लाइक बेस्ट बोलते हैं कंपनी का प्रोडक्ट माना जाता है, जो कि लगभग देखे तो रेवेन्यू भी काफ़ी तक लाइक इससे ही जनरेट इसका होता है। एंड यहाँ पे कंपनी के जो CNG है ना, ये जो है मैं बेसिकली इसके क्लाइंट्स कौन है जो कि यूज़ करते हैं अपना, जैसे कि ऑटो रिक्शास हो गए, कार्स हो गए, बसेस हो गए एंड जो कि कुछ व्हीकल्स होते हैं जो कि लाइक लाइट गुड्स जो थोड़ा बहुत इंपोर्ट करते हैं यहाँ से, जैसे कि टेम्पोस वगैरह हो गए। सो ऐसे छोटे मोटे जो बोलते हैं ना जो व्हीकल्स होते हैं उसमें लाइक CNG यूज़ किया जाता है, जिसके कारण कंपनी का एक रेवेन्यू बढ़ता है। ओके, एज़ पर सेप्टेम्बर 2022 के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने अभी तक लगभग कितना 216 CNG स्टेशन क्या इसने ओपन कर दिए हैं। मीन्स ऑलरेडी देखें तो जियोग्राफिकल एरियाज में लाइक ऑलरेडी क्या है, ये अक्रॉस लाइक पूरा स्प्रेड है अभी ये PNG। अगर ये ये सेगमेंट वाइज में देखें तो इसके क्लाइंट कौन से होते हैं, कैटेगरीज में बात करेंगे तो 3 कैटेगरी आता है। कौन सा, इंडस्ट्रियल कमर्शियल क्लाइंट सच एस जैसे कि होटल्स हो गए, बेकरीज हो गए, होटल्स एसेक्ट्रा एंड डोमेस्टिक हाउस होल्ड कस्टमर, जैसे कि हम जैसे लोग होते हैं वो लाइक PNG यूज़ करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे कंपनी के हम डेटा की बात कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो 2,299 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप दिया हुआ है। कंपनी का स्टॉक भी देखोगे तो 40.8 एंड यहाँ पे इंडस्ट्री भी देखोगे तो 17.2 का कंपनी का दिया हुआ है। सो इसके आपने देखा स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड जो में ट्रेड हो रहा, जो कि अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 559 रुपीज का। यस, इसका जो शेयर है लगभग आप 560 का इसका शेयर पकड़ सकते हैं, 560 का इसका शेयर चल रहा है। लास्ट इसका जो शेयर का जो हाई है कितना, 615 तक इसका हाई गया था एंड लो देखेंगे तो 435 तक इसका लो गया था। कंपनी यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के देखोगे सो ROCE कितना दिया है 17.8% का एंड ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी में कंपनी कितना रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने अर्न किया, लगभग देखिए प्रॉफिट कितना अर्न किया हुआ अभी तक का, 21.9% का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। EPS अर्निंग पर शेयर देखो तो 18.7 रुपीज़ का दिया हुआ है। अगर आप ये शेयर में अगर 1 रुपये भी लाइक अगर ये कंपनी के शेयर में अगर लगभग क्या 1 शेयर भी बाइंग करके रखते हो तो लगभग क्या EPS कितना आपको देगा, 18.7 रुपीज़ का। कंपनी के प्रति यहाँ पे क्या है, प्लेज परसेंट कुछ है यहाँ पे 0% दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग की बात करोगे तो प्रमोटिंग होल्डिंग कितना 15.1% का कंपनी का दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का टोटल असर देखो तो 860 का कंपनी का टोटल असर दिया हुआ है 1 करोड़ में एंड बुक वाली देखोगे तो 91.7 रुपीज़ का। एंड यहाँ पे कंपनी ने डेप बोलते ना काफ़ी हद तक इसने बोलते डिक्रीज भी किया, कितना भी कितना ज़्यादा 348 करोड़ कंपनी यहाँ पे डेप्ट है। सो कंपनी ने क्वार्टरली वाइज चेक करोगे तो कंपनी ने अपना डेप्ट जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस भी कर दिया हुआ है। कंपनी यहाँ पर डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी है, फेस देखो तो 10 रुपीज़ दिया हुआ है एंड लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने 6.63% का इसने क्या है इतना जो है ये रिटर्न्स दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अगर यहाँ पे कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स की, सो कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में कितना रिटर्न्स यहाँ पे दिया हुआ है, 130% का इसने क्या रिटर्न्स दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे अगर रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देखोगे तो कितना 39.7% का, ये 3 ईयर्स का इसका ट्रैक है। सो कंपनी ने प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसने किया हुआ है, नेगेटिव पॉइंट इसके दिए नहीं हुए हैं। PA कंपेरिजन में देखोगे यहाँ पे जो ये जो कंपनी है ना हमारी कौन सी, IRM एनर्जी कंपनी पर लास्ट नंबर पे आ रही, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप देखो तो कम है एज कम्पेयर टू लाइक बाय कंपनी से। यहाँ पे अदर भी कंपनीज दी हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट, मेरा जो शेयर यहाँ पे है गेल, ये इसमें आप जरूर पैसा अपना डालिएगा।
बाकी शेयर में थोड़ा तो अभी तो डाउनवर्ड मोमेंटम चालू है, सो मार्केट जैसे अपने हिसाब से रिकवर करेगा तभी आप पैसा उसमें डाल सकते हो। फिलहाल तो अभी इलेक्शंस का है, इलेक्शन जैसे जून में आएगा तभी मार्केट ही समझ में आएगा कि मार्केट किस साइड से कैसा क्या जाने वाला है। फिलहाल तो अभी कुछ बोल नहीं सकते कि मार्केट अब जाएगा नीचे, वो तो अभी इलेक्शंस के बाद ही मालूम पड़ेगा। बट यहाँ पे जो शेयर है काफ़ी लोग के पास होल्डिंग में रहेगा भी, सो ये जो शेयर्स आप निकालिएगा मत, बिकॉज आने वाले टाइम में शेयर भाग भी सकते हैं, अच्छे खासा अलग अपसेट ट्रेंड में जाएंगे। बाकी यहाँ पे जैसे कि और एक और शेयर है पेट्रोनेट एलएनजी, इसमें भी आप पैसा डाल सकते हैं। बाकी हमारा तो ये महानगर गैस, ये जो शेयर है काफ़ी तगड़ा शेयर है, इसमें पैसा डाल सकते हो, लाइक मिनिमम क्वांटिटी तो आप खरीद ही सकते हो उसमें, 1300 लगभग पड़ लो कितना 1400 का ये जो शेयर आप पकड़ सकते हो, इतने का शेयर भी फिलहाल चलेगा। बिकॉज मंडे के दिन ओपनिंग का तो हाल ही की बात है कि 10-20 रुपये तो ऊपर रहेगा भी, सो 1400 का ये क्या है शेयर मिल रहा है आपको। बाकी ये शेयर में आप पैसा आप ज़रूर डाल सकते हैं, IRM एनर्जी कंपनी में जिसे हम फंडामेंटल कर रहे हैं, रिजल्ट भी इसके अच्छे खासे हैं। बट लास्ट क्वार्टर अगर दिसंबर का देखोगे तो कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर से थोड़ा बहुत नंबर ऑफ प्रॉफिट क्या है थोड़े कम आए हैं, बट कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे किया भी हुआ है। इफ़ अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रॉफिट सेप्टेम्बर 2023 में कंपनी ने कितना 28 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया, आफ्टर दैट 24 करोड़ का। सो प्रॉफिट्स ऑफ नंबर कंपनी के यहाँ पे क्या हुए हैं थोड़े बहुत बोलते हैं ना कम हुए हैं यहाँ पे, बट सेल्स कंपनी का देखो सेल्स कंपनी का इंक्रीज हुआ है, अदर इनकम भी देखो तो अदर इनकम भी कंपनी का इंक्रीज हुआ कितना 7 करोड़ का। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बात करेंगे, इस शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला था यहाँ पे फ्राइडे के दिन, सो ऐसा कुछ न्यूज़ कंपनी के रिलेटेड कुछ आया नहीं है कि कंपनी का शेयर आया एंड ये लाइक कुछ न्यूज़ आया है कि शेयर भागा। बेसिकली ऐसे शेयर्स में ना मल्टीपैक के जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें लाइक मूवमेंट तभी आता है जब भी बहुत बड़ी ज़्यादा खरीदिया फिर ब्लॉक ट्रेड होता है तभी के टाइम पे, सो सेम एज इट इज़ इसमें भी यही चीज़ हुई है। इसमें बाइंग काफ़ी अच्छी इसमें आई थी जिसके कारण कंपनी का शेयर देखो तो लगभग क्या काफ़ी ऊपर चला गया, 90 पॉइंट प्रॉपर था लाइक लगभग तो कितना पर शेयर के पीछे इसने 90 रुपये का रिटर्न दिया था। तो जिसने भी लाइक बहुत टाइम से होल्डिंग करके रखा रहेगा डेफिनेटली इसको तो रिटर्न मिले ही रहेंगे, सो ऐसा मूवमेंट क्या इसमें आता ही रहता है, आपको एंड में इसका चार्ट में दिखाऊंगी। फिलहाल इसके हम डेटा यहाँ पे देख लेते हैं, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पढ़ने की बात करोगे दिसंबर में 15.07% का शेयर होल्डिंग था, आफ्टर दैट वो भी सेम ही था। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे FIS शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखोगे ना तो ये क्या हुआ है वो इंक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर से, अभी कितना 1.08% का इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट करा है इसका शेयर होल्डिंग है। DIS शेयर होल्डिंग 12.86% का दिया हुआ है एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिया 35.99% का कंपनी का दिया हुआ है। और शेयर होल्डिंग देखो तो लाइक इसका मिनिमम क्या है एवरेज वाइज में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के टेक्निकल ओवरव्यू की बात करोगे सो फ्राइडे के दिन का क्लोजिंग देखोगे तो 559 पे क्लोजिंग हुआ, 20% स्टॉक यहाँ पे अप था, परसेंटेज वाइज देखोगे तो 20% एंड प्राइस वाइज देखो 93.50 रुपीज़ स्टॉक अप था, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखिए जो ब्रेकआउट आया है ना इस जगह से कौन से अराउंड जैसे इसने जो लेवल तोड़ा है ना अगर इस जगह पे अगर आप देखोगे तो 500 का जैसे जैसे लेवल थोड़ा स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो अगर आपको इसका शेयर बाइंग करना रहेगा ना सो आप 565.10 पे आप इसका शेयर बाइंग कीजिए, टारगेट रखिएगा 600.20 का आपको टारगेट रखना है एंड सपोर्ट आपको 549.20 का आपको सपोर्ट लेना है, बिकॉज इतना बड़ा कैंडल बना नीचे तो गिरेगा ही, बिकॉज जब बायर्स लोग वहाँ से निकलेंगे सो स्टॉक गिरेगा, सो अगर गिरेगा ना सो 540 तक गिर सकता है अराउंड, सो ध्यान में रख के आपको एंट्री करनी है फिलहाल ये शेयर में। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।